गाइस एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आपको, अपनी बाइक किधर है ये देखो, ये लाल डॉट दिख रहा है यहाँ पर हमारी बाइक है, और जो ब्लू डॉट दिख रहा है वहां पर हम लोग हैं। रात को महफिल बनी बढ़िया वाली, बहुत सारी बातें हुई, फिर हम लोग थके हुए थे, कब सोए समझ में भी नहीं आया। सीधा उठते साथ में यहाँ पर पिंग पोंग था, टटर खेलने लगा, फ्रेश हो गया। वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आई नो, सेम कपड़े पहन के सो गया, उठा अभी क्या है ना, यहाँ पर स्मेल आ ही नहीं रही यार। मम्मी से बात हुई, मम्मी बोली कि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है मुंबई में, हद से ज़्यादा। मैंने कहा मम्मी शायद गुजरात नॉर्थ में बारिश हुई ना, तो उसके ज़रा हीट कभी कभी नीचे आती है। हेलो मिस्टर हरप्रीत, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या सुना, बैठे बैठे सो गए थे कल अमृत की के? नहीं यार, एक दिन पहले की नींद बाकी, जेट लैग था ना एक दिन का। एक्चुअली मैं भी कल सो, नहीं मेरा भी सेम हुआ, जेट लैग था। नहीं मेरे साथ भी सेम हुआ, मैं भी परसों रात को सो गया था, लेकिन आज जो मुझे नींद मिली ना फ्रेश होके, मेरी कंपनी पॉजिटिव है। आपका खरड़ा भी मस्त, मेरे को ऐसा तो बीच बीच में उठाता था, तो सुसु सु करके आता था मैं। ओके, वीडियो अपने कब कर दी। अभी आपको ये रूम तो पता है जहाँ मैं एडिट करता हूँ, लेकिन आपको अभी एज हैप्पी वाइज गेटिंग रेडी मैं कितना टाइम, पाँच दस मिनट, सॉरी दस मिनट लगेगा। तो आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, दिस इज ये प्यारा सा रूम है, बहुत ही कोजी कंफर्टेबल रूम है। देखो बेसमेंट का होते साथ भी तो कितनी अच्छी लाइट आती है, जो यूएस कनाडा में रहता है उसको समझता होगा बेसमेंट का रूम में अगर इतनी लाइट आती है, इतना बड़ा विंडो है तो इट्स अ ह्यूज डील। तो बहुत ही प्यारी नींद मिलती है, तो डार्क आउट कर्टन पूरा अंधेरा हो जाता है। सबसे मेरा फेवरेट रूम जो है ना ये है, यहाँ पर सामान है यानी बहुत ओपन है। यहाँ पर टीटी टेबल पे अगर खेल रहा है तो मतलब सिंगल हैंड वो खेल रहा था, मुझे आपको बताया था। यहाँ सब सामान रखा है, जिम है, बाहर जाना है बाहर जा सकते हैं, जाने के बाद थोड़ा बाल बाल सुखाना है तो मैं वहाँ चले जाता हूँ। अभी हैप्पी बाय रेडी होंगे तो हम लोग आज शायद एक टेम्पल जाएंगे। और जो मेरा फेस इतना सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है बिकॉज मैंने क्रीम और सनस्क्रीन सब भर भर के लगाया, और वो अपने आप सेटल डाउन हो जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इतना धूप में जो हम घूमते हैं, एंड मैं यहाँ बाल नहीं बना रहा बिकॉज यहाँ काफ़ी ड्राई है ना, तो मुझे बाल बनाने की जरूरत नहीं है। मुंबई में काफ़ी ह्यूमिड रहता है तो बाल थोड़े ढीले हो जाते हैं, तो वहाँ स्प्रे करना पड़ता है, बट यहाँ मुझे फिलहाल तो अभी तक जरूरत नहीं पड़ रही है। स्क्वायर लाएगी, देखो दिख रहा है वो भी जो है। फाइनली मैं प्रॉपर रेडी होकर निकल रहा, देखो मैंने अपना कैमरा वाला हुक भी डाल दिया है, और अभी गाड़ी भी लेके हम लोग मंदिर भी जाने वाले हैं, और मैंने अपना बिग लेंस मतलब जो जो है ना 70mm का सिनेमा लेंस वो भी आज अपन ने रख लिया है। तो अच्छे अच्छे फोटो खींचेंगे, वीडियो आई डोंट थिंक मैं भी निकालूंगा, वीडियो जब मोटरसाइकिल आएगी तभी मेरा कुछ प्लान राइडिंग के टाइम पे। तो ड्रोन वन सब कैरी करता हूं मैं, तो कोई टेंशन नहीं है। मेरा भागने वाला शॉट देखा वो अपने 70mm लेंस से लिया गया था, और सिर्फ वीडियोस नहीं, हमने रील के लिए भी एक दो क्लिपिंग लिया और फोटोज लिया, एंड हैप्पी भाई बहुत इंप्रेस हो गया वो लेंस से भाई, एक नंबर है ना। सोचो भाई अपन जब बाइक आएगी अपनी, कोई रुकेंगे किधर, ट्राईपॉड दूर रखूंगा उससे अपन फोटो लेंगे, क्या आएगा। तो अभी हम लोग को आशीष के घर पर जाने का है, उसकी गाड़ी पिकअप करने के लिए, लेकिन हमको समझ में नहीं आता कैसे जाए, बिकॉज हमारा प्लान था रोहन की बाइक लेके जाने का, बट बाइक कल सर्विसिंग को दे दी है, और ऊबर आपको पता है ऊबर कनाडा में कैश नहीं होता था, मेरा कार्ड नहीं चलता था, तो यहाँ पर मैंने कैश सेलेक्ट किया, और कैश का ऐसा है कि इट इज़ नॉट अवेलेबल इन दिस सिटी। फिर मैंने चलो मजबूरी में आकर एक तुक्का मारते हैं, मेरा कार्ड सेलेक्ट किया, हो गया ऊबर आ रही है अभी लेने के लिए, तो प्रॉब्ली कनाडा में नहीं चलता है शायद, या फिर उस टाइम कुछ सीन होगा, बट अभी इट्स वर्किंग फाइन। तो जो वो टाइम मैंने बोला था अगर कोई आ रहा है ट्राई विथ योर क्रेडिट कार्ड, आई थिंक उबर शुड वर्क। ये आ गया उबर, और सामने ट्रक चल रहा था तो उसको टो कर रहे थे सामने से, ऐसा लग रहा है ट्रक अभी हमारे आंग में घुस जाएगा। पहुंच गए, अभी गाड़ी कौन सी है मैं भूल गया, आशीष को पूछना पड़ेगा। दिस इज़ अ नाइस एरिया वेयर आशीष स्टेज, आप बहुत ही प्यारा क्वाइट एरिया, ऑफकोर्स वो प्राइवेसी रीजन मैं आपको आशीष का घर नहीं बता सकता, बट दिस इज़ वेरी लिव्स। कौन सी गाड़ी है, निसान की? ओह ये रही सुशी साइलिस, थैंक यू सो मच। वो बोल रहे थे ना घर पे नाश्ता करके जाओ, मैंने नहीं नहीं हम तो बस आशीष की गाड़ी लेने आए थे। चलो थैंक यू मैम, बाय बाय। तो मैंने बोला हैप्पी बाय को आप चलाओ ताकि मैं अच्छे से व्लॉग व्लॉग कर पाऊँ, आई विल बी योर नेविगेटर है ना। ओह मोगरे की खुशबू, हाँ मोगरा खा रखा हुआ है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अक्षरधाम टेम्पल, जो कि है 34 miles एंड इट विल टेक 42 minutes, मुझे पता है आपको दिखा के नहीं, धूप बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल इन यूनाइटेड स्टेट्स, दैट्स व्हाट हमको बोला गया है, वो है नहीं मुझे नहीं पता। और वहाँ पर उसके बाजू में गुरुद्वारा है, तो हैप्पी और हमारा प्लान है कि वहाँ लंगर खाएंगे अगर हो सका तो, दैट्स द प्लान फॉर द डे। और आई होप आज भगवान को प्रे करेंगे भाई कस्टम से गुड न्यूज़ आ जाए यार, इन लोग डिले कर रहे हैं, पाइलअप पे पाइलअप हो रहा है उनका काम। देखो हमारे कस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं, यूजली प्रॉब्लम होता है तो 10-15 दिन का डिले होता है, और कस्टम्स पेपर आर नाइस, दे जस्ट हैव टू साइन इट एंड सेंड इट टू द नेक्स्ट लॉट, और फिर हमको बाइक मिल जाएगी। एक चीज़ यूएस में जो थोड़ा मुझे कन्फ्यूज करता है वो चीज़ है, यहाँ पर सब माइल्स में है, तो हमारी भी जब बाइक आएगी हमको उसको माइल में सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्पीड लिमिट जो कि छोटे छोटे स्टेट हाईवे होते हैं, जो गलियाँ होती हैं
वहाँ थोड़ा फॉलो करना पड़ता है। हाईवे में थोड़ा प्लस माइनस 10 कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता है। तो अभी हैप्पी भाई चला रहा है, थोड़ा बहुत ध्यान से कोई 35 माइल्स हो गए थे या थोड़ा, अगर 35-40 पे गए तो चलता है, बट ध्यान से बस और कुछ नहीं। एंड हैप्पी भाई ने US में ज़्यादा चलाई है गाड़ी, तो ही नोज इन एंड आउट एवरीथिंग। उन्होंने तो बाइक भी चलाई है पूरे इधर से उधर, इनफैक्ट जो पूरा ये न्यूयॉर्क टू जहाँ पर भी जा रहे हैं सैन फ्रांसिस्को सैन डिएगो, वो पूरा पूरा जो एक्चुअल प्लान है वो इन्होंने बनाया, उनकी फ्रेंड है ना गौरव ने, उन्होंने बनाया है। अपना तो कुछ ऊपर से था, बाइक आ रहा था तब बता था। ये आ गए हम हाईवे पर, हाईवे पे स्पीड लिमिट रहती है 65 माइल्स। 65 लगभग होता है 98 किलोमीटर, 1900 to 100 का पकड़ लो। और यहाँ पर लोग कभी कभी 75-80 भी लेके जाते हैं, और कुछ कुछ लोग अपनी टेस्ला में तो 100 माइल लेके जाते हैं। रोड ट्रिप विदाउट म्यूजिक गाड़ी में, पंजाबी म्यूजिक, इसको बोलते हैं टोइंग। ये 3-4 कम थी तो पीछे और एक डाल दिया, कितना वहाँ कसम 2 पहिए पे कितना लोड आ रहा है पीछे। रोड भी चौड़े है ना, कर सकते हैं ये सब चीज। वहाँ सर को गाड़ी का पहिया ऐसा घूम रहा है ना, आई जस्ट रियलाइज जिम कैरी का डम एंड डम्बर वाला हैसा लेके चल रहा हूँ मैं, बस अच्छा छोड़ देता हूँ, हमारे साथ अच्छा लुक आएगा तो डम एंड डम्बर वाला जिम कैरी लुक आ गया। ये है हमारे मंदिर की एंट्री। टोल नहीं, मुझे लगा टोल ले। इसके पहले गुरुद्वारा भी है, मेरे हाथ में कैमरा था उसको लगा। इसके पहले गुरुद्वारा भी था, तो अपन मंदिर विजिट करके गुरुद्वारा जाएंगे। वहाँ वहाँ तो फुल इंडिया लग रहा है भाई, इंडिया। पार्किंग नहीं मिल रही है, वीकडे को होके पार्किंग नहीं मिल रही है, 2-4 चक्कर मार लिया भाई, वहाँ ट्राई करो वहाँ मिल सकती है। वीकेंड पे क्या होता है, सोचो वीकेंड पे लोग चल के आते रहेंगे बाहर पार्क। गुरुद्वारा शिवाली पार्किंग मिल गई, बहुत सही जगह पे मिली, मतलब शुरू में पार्किंग थी, हम तो एंड में चले गए थे। अब अंदर चलते हैं, हमारी टाइमिंग बहुत अच्छी हो गई, बिकॉज मंदिर का सबसे बिगेस्ट जो स्टोन है वो आज प्लेस होने वाला है। एंड इज वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स, बोला हम आपको टूर देते हैं, बोला क्यों नहीं, व्हाई नॉट, प्लीज। एनीथिंग स्पेशल टुडे? या सो टुडे वाज द इवेंट फॉर ऑल द वॉलंटियर्स, दे वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल। So these are all hand carved. So I can film, right? No problem. Yeah, no, you're good. Yeah, sure. This is hand crafted in Rajasthan. In Rajasthan. Okay, cool. And then and they it shipped here. It here on a container, and everything was built by like a jigsaw puzzle, basically. तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये सब चीज़ इंडिया में बनके यहाँ पर आई, सोचो। और यहाँ पर आके लाइक अ पजल इसको ज्वाइन किया। The washroom है, cleanest washroom I have ever been in US. Probably it's new, that's why. But इसको maintain रखेंगे इस तरह। तो 200 फीट का टेंपल है, एंड इट्स द टॉलेस्ट टेंपल बिल्ट इन द वर्ल्ड, विदाउट इन द यूएस। या 200 फीट टेंपल, आई श्योर। तो यहाँ पर जो है हमने अपने जूते रख दिए, अब यहाँ से जो है अंदर जाएंगे। ऑफ कोर्स मंदिर में शूज पहनना अलाउड नहीं है। ये देखो अंदर पूरा काफ किया है यहाँ पर, हम लोग अभी अंदर हैं इधर। तो अंदर इतना फिल्मिंग अलाउड नहीं था, बट मैंने थोड़ा बहुत किया, थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए। और यूजुअली जब ऐसा अंडर कंस्ट्रक्शन होता है चीज़ें खुलती नहीं है, बट ये खुल गया है। और मुझे बोला गया कि जो मंदिर के अंदर और ये जो मंदिर था इसका अंदर इतना खूबसूरत सब बनाया है, और ये वाला ऐसा ये बंदा बोलता है कि इसके अंदर और भी खूबसूरत, और वो अक्टूबर में खुलेगा तो हम लोग शायद वहाँ पर रहेंगे, तो डेफिनेटली वेलकम है। हम सोचे कि यहाँ पर खाएंगे शायोना कैफे, यहाँ पर नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन ऑल काइंड ऑफ फूड, इंडियन फूड, वेजिटेरियन। हम सोचे कि यहीं खा लेते हैं हमारा लंच, जो यहाँ कर लेते हैं। गुरुद्वारा में अगर लंगर हुआ तो वो भी थोड़ा चख लेंगे। दिस इज अ ग्रोसरी स्टोर? या दिस इज लाइक अ पैकेज फॉर ग्रोसरी स्टोर। ओह वाओ, टैप्स शायोन। लेना राइडिंग के लिए भाई कुछ? किसके लिए राइडिंग करने? हां अपने लेंगे ना। देखो यहाँ पर स्क्रीन है, यहाँ से हम अपना जो है ऑर्डर दे सकते हैं। ये किसी का ऑलरेडी पहले तो कैंसिल करता हूँ मैं, हमारा शुरू कर। ओह यही है भाई, फिलहाल यही है। आई थिंक टाइम के वजह से ज़्यादा कुछ है नहीं अभी, यही चीज़ है टाइम, राइट।
और मिल गया एक सिग्नेचर पिज्जा जो कि पूरा पनीर से भरा हुआ है, इसने बोला एक पनीर वो ले रहे पिज्जा और दूसरा ले रहे पाव भाजी। पाव भाजी का मेरा मूड नहीं है बट एक बार सामने आएगी तो शायद चख लेंगे। और ऑर्डर करने के अलावा तो ये सब भी चीज़ उठानी है आपको, क्या है बेसिकली कचौरी है, ये समोसा है इधर, ये सब भी उठा सकते हैं, बेवरेज भी उठा सकते हैं। तो सिर्फ ये देखो, दिस इज़ द मेन्यू हियर। और मुझे अभी मालूम पड़ा मेन्यू के अलावा आप यहाँ पर भी ऑर्डर कर सकते हो, चाय कॉफ़ी हो गया, थाली हो गया। फॉर सम रीज़न यहाँ से भी हमारी पाव भाजी आ गई, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर अ पिज़्ज़ा। सो आप मेन्यू के अलावा आप यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो, चाय कॉफ़ी थाली फ्राइज वो सब भी ले सकते हो। बट मेन्यू में नहीं दिख रहा था। नहीं, हैप्पी वे के लिया जा रहा है रोस्टी, ऑलरेडी शक्कर है, दूध वाली चाय है, मुझे लगा कि आपको लगा क्या ब्लैक टी है। Oh my God, fitness लो। और कुछ इस तरह हो रहा है हमारा चेकआउट, यहाँ पर पैसा देना। जगह जो हम बैठ के खाने वाले, तो कितना खूबसूरत जगह हमने ली है, झाड़ के नीचे आराम से बैठेंगे, यहाँ पर खाएंगे, सनलाइट भी आ रही है और भी लोकेशन साफ, बट हमने ये पिक किया। अरे खाना जितना अच्छा दिख रहा है ये उतना ही अच्छा टेस्ट करता है, ज़्यादा अच्छा टेस्ट करता है। तभी वहाँ से हम लोग यहाँ पर गुरुद्वारा आए, तो गुरुद्वारा में कोई गाड़ी दिखी नहीं, तो शायद बंद होगा, एक दो गाड़ियाँ हैं तो हम लोग अंदर जाके देखेंगे। अरे भाई बख्शीश भाई की गाड़ी आ गई। अरे जैसे ही मंदिर और गुरुद्वारा के दर्शन हुए हम लोग, गुड न्यूज मिल गई। अभी अभी मैसेज आया मेरे एजेंट का, क्लियरेंस हो गया हमारा। चलो भाई क्लियरेंस हो गया, मतलब अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, वो बस उस वहाँ से उठा के अपने इधर लाएगा, उससे ही बात कर रहा हूँ मैं, पूरा बता देगा, सुन ली ऊपर बात। स्काई डू यू रिकॉग्नाइज मी, यू आर स्माइलिंग, ग्रो ग्रो, आई एम गोना कम एंड प्ले विद यू। 23 माइल्स, डेढ़ घंटा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ का बहुत ही स्पेशल मॉल, वुडबेरी मॉल, क्योंकि यहाँ का आउटलेट मॉल है और हैप्पी बाई को सब कुछ पता है इसके बारे में, बिकॉज एज आई सेड बीवी नहीं तो क्या हुआ, हैप्पी बाई सब इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। तो मेरी चप्पल फट गई है, वहाँ पर 50% ऑफ पर चप्पल लेंगे, और अगर कुछ पसंद आ गया तो भाई साहब जगह तो नहीं है बाइक पे, सर पे लत के जाएंगे। तो उसी खुशी में अपनी बाइक क्लियरेंस होगी कस्टम से, अपन जा रहे हैं उधर। डेढ़ घंटा लग रहा है अपन बॉम्बे से पुणे शॉपिंग करने जा रहे हैं। बॉम्बे से पुणे तो कुछ भी नहीं, भाई लोग चाय पीने जाते हैं। ओके सो इफ दे पिक अप टू Then it's something that's Saturday off. अरे भरत भाई कर दो यार, मर जाएंगे हम लोग। अरे इतना लेट मत करना, लेकिन भरत भाई मर जाएंगे, हैप्पी बोल रहा हूँ भरत भाई। मेरा टॉप प्रायोरिटी है कि मैं इसको आपको हैंडओवर करूं, सो यू कैन स्टार्ट योर राइड। सो दैट इज माय टॉप कस्टम वॉच के इधर का। सो द पॉइंट इज बहुत ही बड़ा वाला मॉल है। अरे कैमरा गिर गया भाई। वुडबरी कॉमन मॉल, मैंने शैनिस को अभी फोटो भेजा, शैनिस बहुत गुस्सा हो रही, बोलती काश में होती इधर, बट कोई नहीं, शैनिस का ऑन बिहाफ पे अगर कुछ अच्छा मिल गया तो मैं ले लूंगा यहाँ पे, ऑब्वियसली तो करना ही पड़ेगा भाई साहब। तो सेंटर में रोकेंगे गाड़ी, हैप्पी बोलते हैं सेंटर में रुकेंगे ताकि हम पूरा मॉल के माल गाड़ी में बीचे उठा के। अरे गाड़ी में बाइक में कैसे जाएगा भाई, छोड़ देंगे ना जा। अरे छोड़ देंगे, ये कार्गो में डाल देंगे, बोलेंगे हमारी बाइक जो डब्बे में लेके आए उसमें सामान डालो, मुंबई भेजो। देखो भाई हैप्पी भाई जो मुझे बोल रहे थे $1 की शॉपिंग नहीं करेंगे, अभी देखो हजारों डॉलर आ गए शॉपिंग के लिए, चेहरे पे स्माइल देखी, चोरी पकड़ी जाती नहीं वैसा। भाई मैंने क्या गिफ्ट दिया, पैसे नहीं मेरे पास। अपना लॉजिक भाई सिंपल है, मजे करने का, घूमने का, फिरने का। मेरे तो मैं तो बैग भी कम भर के लाया, क्योंकि मुझे पता था मैं ऐसे टी शर्ट, ऐसे थोड़े बहुत बेसिक कपड़े और चप्पल जूते तो लूंगा ही लूंगा। पहले जब भी मैं US या फिर कोई भी कंट्री घूमता था तो हम लोग ऊबर या फिर लोकल ट्रेन लेते थे, अभी जब से गाड़ी चलाने की आदत लगी है तो सब कुछ छोटा लगने लगा है। तो ये हम लोग कभी आए नहीं पहले फैक्ट्री आउटलेट, अभी आ रहे हैं। और हैप्पी भाई अपने यहाँ पर पहले आ चुके हैं बहुत, 15 बार। हैप्पी भाई जितने भी जगमग कपड़े पहनते हैं यहीं से लेते हैं, इनके फ्रेंड सबको, उनके फ्रेंड के बच्चों को भी यहीं से पसंद है, राइट, यहीं से लेके जाते हैं। बहुत सस्ते मिलते हैं, बहुत डील में 60-70% डिस्काउंट मिलता है। यूएस टूरिज्म अपने को थोड़ा स्पॉन्सर करना चाहिए, हमें कितना अपन स्पॉन्सर कर रहे हैं, जीडीपी में कितना ऐड कर रहे हैं हम। तो आप ही यहाँ से लेने का बोल रहे हैं, बाय वन गेट वन फ्री। हाँ $35 आप सेलेक्ट करो मेरे लिए, मैं लूंगा फिर आप लोग, मुझे तो ये कलर अच्छा लगता है, ये कलर अच्छा लगता है। डिस्काउंट नहीं है इसमें, एक पे एक फ्री है ना भाई, $17 की हो गया ना सीधा। ये वाला अच्छा लग रहा है, ये लेते हैं और सोच रहे हैं ये लो। तो ये दो चप्पल ले ली मैंने, हैप्पी भाई ने कन्विंस कर लिया मुझे लेने के लिए। कितनी स्मार्ट है देखो ना, ये एक पे एक ऑफ है, ये $40 की है तो उस पर ये फ्री है। और क्या चाहिए, और ये मैंने अभी जो लिए थे वही पहन लिए,
थोड़ा हवा आने के लिए। आहा यार क्या कंफर्टेबल है, मुझे बहुत ज़्यादा जूते इसमें डाल दिए। आहा इतना अच्छा लग रहा है, डिफरेंस है भाई लोखंड वाला की ₹300 की और इसकी $40 की चप्पल में डिफरेंस है, बट $40 पर ठीक है, 2 मिलीमीटर $40 में। और हैप्पी भाई अभी हैप्पी भाई कनाडा से आए, बोले टोरंटो के वहाँ पर ज़्यादा ऑफर चालू है क्योंकि वहाँ पर वीकेंड सेल था, अगर आप मेमोरियल लेता ना तो वही वो टाइम यहाँ ऑफ चल रहा था। अभी फादर्स डे पे आएगा तो बन जाओ फादर भाई, मदर दिला दो लोगों को, बोलो लोगों को भाई। देखो $130 का 70% ऑफ, लिटरली $100 $40 में जूता मिल रहा है, एसिक्स का नूसा। मैं शैनेस को बिल्कुल मिस नहीं कर रहा, बस डिफरेंस ये कि आप जूते चप्पल में जा रहे हो, वो बैग्स में जाती है, बिल्कुल मिस नहीं कर रहा। उधर हैप्पी भाई ने ठीक से पढ़ा नहीं, 70% बाय वन और दूसरे पे 70% है भाई। हैप्पी भाई ने मेरे लिए चश्मा सेलेक्ट किया है, ये वाला भाई साहब ये लूंगा ना, शैनेस में घर पे घुसने नहीं दिया। क्यों भाई, ये तो खुद के लिए लाया कि स्काय के लिए लाया? कितने का ये? $150 का ये उसमें आइस पे भी पहनोगे ना, अपन जब जाते हैं ना लेह लद्दाख जाते, देखो रिफ्लेक्शन भाई। मुझे तो इसका अंदर वाला पार्ट ज़्यादा पसंद आया यार, इट्स वेरी वेरी नाइस, एस्थेटिकली ब्यूटीफुल मॉल इनसाइड। ऑल दो भूख नहीं लगी है, फिर भी सोच रहे निकलने के लिए कुछ लेके जाए। तो वापस जाते टाइम भी 75 miles वापस जाना है, तो भूख तो लगेगी। कहाँ जा रहे भाई? ये देखो भाई हैप्पी भाई ने तो भर भर के शॉपिंग कर डाली कोच से, एंड थैंक गॉड, थैंक गॉड नहीं, फॉर्चुनेटली जो शैरिस को चाहिए था कोच वुमेन से वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो हैप्पी भाई की तो मजबूत शॉपिंग हो गई, लिए $200-400 की। फिर चलो $1,000-2,000 की, $200 भाई, $200 $16,000 होते भाई। कोच का कौन सा $200 में मिलता है भाई? चड्डी मिलेगी $200 की, एसिक्स अपना $10 की टी शर्ट। और अभी स्टेयरिंग पे मैं आ गया हूँ बिकॉज हैप्पी भाई अभी आराम करेंगे, आते रहे उन्होंने बहुत चलाया, अभी जाते रहे मैं चलाऊंगा, और वो कुछ लेने गए हैं लास्ट चीज़ मेला भाई, मैं थक गया हूँ, आप ही जाके लेके आओ। और मज़ अपने लिया है एक चॉकलेट शेक, आराम से पी के जाऊँगा मैं। अभी जो हुआ है मेरे साथ, मैं आपको क्या बताऊँ क्या हुआ है मेरे साथ, रुको मैं मैप एग्जिट करता हूँ तब आपको बताता हूँ, ठीक है अच्छे से। अरे एग्जिट क्यों नहीं हो रहा? देखो ये रहा मैप, हम लोग इधर कहीं थे और यहाँ जाना है मुझे, ठीक है। मैंने गलती से आशीष का मैसेज खोला जो उसने अपना घर का एड्रेस दिया था, लेकिन गूगल मैप ने कुछ और ही गड़बड़ कर दी, और मुझे न्यूयॉर्क से यहाँ था मैं, यहाँ से ऊपर मतलब मैं रॉन्ग वे में 55 माइल्स गाड़ी चला लिया। मुझे पूरे रास्ते लग रहा था ये रास्ता तो आया नहीं था, लेकिन मैं गूगल मैप के भरोसे चलता गया, कहीं ना कहीं मेरी गलती भी थी। और हम लोग आ गए 50 माइल रॉन्ग वे में, अभी फ्यूल भरा रहे हैं। हैप्पी भाई पैसे दे के आए, फ्यूल भराएंगे। हैप्पी भाई बोला मैं चला लेता हूँ, मैंने बोला ठीक है भाई, क्योंकि मैं थोड़ा इरिटेट हो गया। मैं बोला क्या है, मेरे से गलती हो गई, जबकि मेरा मतलब मन में गोल बाल है आ रहा था, लेकिन मेरी गलती बेवकूफ़ी की वजह से हम लोग यहाँ पर आ गए। एंड रोड डिस्कवर से इसको गाड़ी को टो कर रहा है और स्पाइडर पुरानी वाली, पोर्शे स्पाइडर, स्पाइडर पुरानी वाली, नीड फॉर स्पीड बात एकदम सेलेक्ट राइडर गाड़ी है भाई, डिस्कवर लेके टो कर रहा है भाई ऑलमोस्ट 90 miles तक। इंटरेस्टिंग चीज बताओ आपको, अपनी बाइक किधर है ये देखो, तो मैंने उसमें एयरटैग डाला था, फाइनली मुझे नोटिफिकेशन आया, ये मेरी बाइक दिखी मेरे को, और मैंने ये जो मेरी बाइक दिखी है वो मैंने लोकेशन डाला, तो आपको पूरा लोकेशन तो बताऊंगा नहीं, बट ये देखो ये एग्जैक्टली अभी हम लोग, ये लाल डॉट दिख रहा है यहाँ पर हमारी बाइक है, और जो ब्लू डॉट दिख रहा है वहाँ पर हम लोग हैं, तो करंट लोकेशन है, तो यहाँ से इस तरफ हमारी बाइक है 10 किलोमीटर दूर है, बट ऑफकोर्स पैरेलल चल रहे हैं, तो वहाँ से बाइक उठेगी और जो हमारा एजेंट है उसके पास आएगी, और मतलब अभी मिलने के चांसेस है। कंटेनर खुल चुका है, कंटेनर खुलने का टेंशन था, अभी जिम ने मंगल है, अभी वहाँ से निकलेगी और अभी आएगी मिलेगी, बस अभी ये जल्दी हो जाए। हाँ इतना जल्दी खुश होने का नहीं, पहले हो जाए सब, बट सुकून मिला कि मेरा एयर टैग डिटेक्ट हो गया। भाई साहब पहुँच गए, क्या दिन था यार, क्या दिन था, एक डेमो मिल गया, लेकिन वो जो बाइक का सुनने को मिला उससे खुश हो गया।